चैनल थोड़ा चैनल खेलने को तो प्लीज लाइक कीजिए, ये भी बोलना लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अरे सांड घुस गयो रे, घुस गयो, भगाओ रे, भगाओ रे, अरे कटे यार सांड, अरे गेट पे दिखो रे, भगाओ 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 भगाओ, अरे कोई कोने मटा तो झाड़ू मारता नहीं, डिस्टर्ब कर दी, कटे सांड। अरे कितनी बार बोलो कुत्ता घुस का कुत्ते को भगाओ, कोई है क्या तो भाई कुत्ते को, कुत्ता घुस का कुत्ते को भगाओ, कुत्ता कुत्ते को भगाओ। गंडे पुड़ो आ गयो की हैं, अब तो झाड़ू कहीं ना हो, चप्पल भगाऊं ने, अरे दूर है, अरे दूर है, अरे गेट पे जार भगाऊं, दूर है, दूर, अरे दूर 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 लागे मन बावली बना रही तू एक बार ही ना। ओह नो, अरे मारो यार, मारो मार, किसको मारूं अभी, तेरे एक चपत मारूंगा चपत, अरे जल्दी से मारो मारो यार, मारू ले पापा ने मेरे को क्यों मारा। अरे तो तूने ही तो कहा था कि मारो मारो, तो लगा दी मैंने भी एक चपत। आपको थोड़ी ना वो देता। ओह नो, तो किसको कहा था। अरे पापा मैं आपको थोड़ी ना बोली थी, अरे जब मैं पबजी खेल रही थी, पबजी देख लो जरा, इसलिए मैं आपको नहीं बोली थी, मैंने अपने फ्रेंड को बोल दी थी कि ना दुश्मन को मार, इसको मार, आपको तो नहीं बोली थी मैं। अच्छा तो ये बात थी कि अरे तो कहीं उगियो, खेली तो है, ध्यान भी जीत कहीं उठा लेती तू। पापा अगर मैं जीती ना तो मुझे चिकन डिनर मिलता, चिकन डिनर आपको पता है, चिकन डिनर मुझे बहुत पसंद है और आपने तो मुझे आउट ही करवा दिया। सच में? हाँ जी हाँ। कदई जीती है कि तू कि बस यानी टोरा मारा है? कल भी जीती थी, परसों भी जीती थी, दो बार चिकन डिनर किया था आपको पता है। हैं? तो दोनों दिन चिकन डिनर किया तू? हाँ, और क्या, अब तू पूरे हवा में उड़ा देते, बातें सुनती नहीं है कुछ। अरे वाह यार, अगर यान की बात है तो ये गेम मैं भी खेलूं, दो चार टंगड़िया तो मैं भी चबा दूं। पर एक बात बता, मैं तो कोई डिलीवरी बॉय ना आता ही कौन देखियो, आप डिलीवरी देखियो और तू हगलू चिकन अकेली खागी है, मारी यार ना ही खाती इसमें। अरे एक आध टांग मार ली बचा देती तू, यही जाता थारो। अरे पापा वो तो रियल तोड़ देना होता है, वो सिर्फ मैंने जब अपन जीते ना जब मिलता है, रियल नहीं होता वो है? रियल नहीं हो मतलब? अरे पापा आप ही कैसे बात कर रहे हो, तो मेरे में नहीं होता है। अच्छा मतलब थाने ने काल्पनिक चीजा खबा में भी मजो आ जावे है, यही बात है? हाँ हाँ, तो वो मुझे जीतने पर मिलता है, मुझे इतना मजा आता है कि मैं क्या बताए, क्या मजा आता है पता है आपको। अच्छा वो सब छोड़, ये बता तू पिज्जा खाएगी क्या? पिज्जा? अरे वाह, अब मंगा रहे हो पिज्जा? हाँ, और वो सोच रही हूँ साथ में कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राई और वो कहीं, हाँ बर्गर। अरे वाह कितने अच्छे, पापा जल्दी चार्जर कर दो ना। ऑर्डर की बात को ऑर्डर, तो मैंने ऑर्डर दे सी की अब। अरे पिज्जा को ऑर्डर और किस चीज का ऑर्डर, आप भी ना पापा। क्यों क्यों ऑर्डर दूं मैं? अरे पापा आपने अभी तो कहा था कि पिज्जा खिलाने के लिए, पिज्जा खिलाऊंगा भी तुझे। हाँ तो खिला बाकी बोली, ऑर्डर दे बाकी को नहीं बोली। ओह नो, खिला देशो। अरे तो क्या खोज बना गया, पूरा दिमाग खराब कर दिया अभी ना पापा। ना 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 आपा, को नहीं बनावा, को नहीं बनावा, कैसे खिलाओगे मुझे तो पता नहीं, कैसे खिलाओगे, जल्दी से खिलाओ, कैसे खिलाओगे कैसे भी। अरे तो मैं सच में थोड़ी ना खिला हूँ, मैं भी वो पबजी जियान इमेजिनेशन में ही खिला हूँ तुमने। अरे तो तू ही तो कह रही कि तने वो पबजी वाले इमेजिनरी चिकन पसंद है, तो फिर ये इमेजिनरी वाला कोक पिज्जा और फ्रेंच फ्राई और बर्गर ये भी तो पसंद आसी ना तुमने। कोई
जैसे कोई कॉमेडी चैनल आ रहा हो, ऐसे कैसी हालत बना रखी है, मुझे देख ही नहीं रहा। अरे ना ना रे, आप ना बीबी की वाइंस या एल्विस यादव की तरह बड़ो चैनल तो है कोनी, 18 सब्सक्राइबर तो कोनी आपने, तो बस ये बाल तो यानी बड़ा रह गया है कि भाई वो कोरोना सोरोना चाल गया मैंने। अरे तू तो सोफे पे ऐसे कैसे लेटी हुई है, इतनी बड़ी होगी अक्कल नहीं है क्या? सोफे लेटने के लिए होते हैं कि बैठने के लिए होते हैं? उठ थाली कर, इतनी बड़ी होगी अक्कल ही नहीं है सोफे बैठने के लिए होते हैं, उठ उठ। ठीक है जी, आप भी बैठो, तो मैं तो जा रही हूँ जी। अरे अच्छा हुआ खाली कर दिया, अब आराम मिला रे। ओह नो, अब आराम मिला। अरे पापा, आप तो मुझे सोफे पे लेटने के लिए मना कर रहे थे, अब खुद ही लेट गए। ओह नो, हट करो पापा आप ही। अरे बेटा, मेरा तो अभी बुढ़ापा आ गया, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें तो बैठे ही रहना चाहिए। अरे आप भूल गए हो, मैं तो अभी 30 ही बच्ची हूँ, सिर्फ 1 साल की, और आप जवान हो, जवान इतने बड़े और तो भी सोफे पे लेटे हो, हट करो पापा। अरे बेटा, आजकल की लाइफ स्टाइल ही साली ऐसी हो गई है कि 25 साल में बुढ़ापा आ जाता है, मैं तो 30 का हो गया। ये यकीन नहीं है तो ये देख ये बाल उड़ने लग गए, ये देख पापा यहाँ से टकले हो गए, ये देख देखे ना टकले हो गए ना पूरे। अरे तो पापा, शैम्पू में अलग अलग चीजें करोगे तो बाल तो पूरे उड़ जाएंगे, उड़ेंगे क्या? अरे मैंने कौन सा एक्सपेरिमेंट कर लिया? झूठ मत बोलो, मैंने देखा था आपने पहले ना थोड़ा सा शैम्पू मिलाया, और फिर मैंने थोड़ा सा डेटॉल मिलाया, थोड़ा सा हेयर केयर मिलाया, और उसमें थोड़ा सा बिस्किट मिलाया, और याद आया शैम्पू पे मिलाया ली। बेटा वो पतंजलि वाला शैम्पू है ना, उससे बाल एकदम सॉफ्ट रहते, एकदम देख मेरे बाल कैसे पंख जैसे सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम है ना, ये देख एक एक बाल, ये 1 2 3 4 5 गिन लो इनको। तो इसमें डेटॉल क्यों मिलाया? अरे वो डिटॉल तो इसलिए मिलाई थी, अभी कोरोना चल रहा है ना, तो सारे कीटाणु इन बालों पे ही तो लगते हैं, और इसीलिए डिटॉल थोड़ी सी मिला दी थी। अरे चलो डेटॉल भी ठीक है, अपना ऑल क्लियर का मिलाया। अरे वो तो क्लिनिक ऑल क्लियर वाला शैम्पू था, वो है ना मेरे देख खूब सारे डैंड्रफ पे सफेद सफेद दिखेंगे, तो ढूंढेगी तो इतने सारे मिल जाएंगे, थोड़ा सा वो भी मिला लिया था ताकि सारे डैंड्रफ भाग जाए, खुजली होती है ना तो खुजली नहीं हो। ए भगवान, आप ऐसा करोगे ना सर में थोड़े से बाल है ना, थोड़े बहुत बाल है वो भी उड़ जाएंगे। ना ना बेटी ऐसे मत बोल, मेरे बाल तो मेरी जान है जान, ये नहीं रहेंगे तो मैं हेयर स्टाइल कैसे बनाऊंगा अलग अलग टाइप की। पापा वैसे सबसे ये अपने एक बार बताओ, ये विक्स की क्यों मिलाई थी? वो भी देख लिया क्या तूने? अरे वो क्या है कि कल की थोड़ी सी बच गई थी, अब तेरी माँ मेरे को आज तो पीने नहीं देती, तो सोचा शैम्पू में मिला लूं तो बाल भी नशीले हो जाएंगे मेरे, और वो नशा मेरे बालों के थ्रू सीधा इस खोपड़ी में पहुंच जाएगा, फिर मैं जोगा नशे में मजे से। हे भगवान, अब आप मम्मी से शिकायत करो ना, पूरे पूरे दुबट जाओगे, हाथ जरूर पांव पकड़ चलोगे। अरे ना ना ना, तेरी माँ गोदम करेगी गोदम। अच्छा मम्मी गोदम करती है? अरे तेरी माँ गोदम ही नहीं करती, बल्कि गो जैसा तेरा जो सीधा सीधा बाप है ना, गौ माता जैसा, वैसे सीधे सीधे बाप का दम ही निकाल देती है, पूरा गोदम हो जाता है। खैर वो सब छोड़, ये बताइए सोफे के कवर कहाँ चले गए? एक भी सोफे के कवर नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा वो सोफे के कवर, वो तो मम्मी ने धोन के लिए डाल रहे हैं बाथरूम में। क्या यार, तू और तेरी मम्मी अभी पिछले वीक ही तो धोए थे, क्या रोज रोज धोते हो? मम्मी का बस चले ना, मम्मी आपको भी रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के धोते हैं, रगड़ रगड़ के हैं। बढ़िया ही मुझे धोने वाली। अरे वो तेरी माँ है ना, वो मेरे इशारों पे चलती, मेरे मैं चिटकी बजाता हूँ तो आती है, मैं चिटकी बजाता हूँ तो जाती है, समझी तू? सच में? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या?
अच्छा तो बजाओ बजाओ, देखते हो जरा। अभी पर अभी क्यों बजाना, क्यों बेचारी को परेशान करना? रहने दे रहने दे, अभी नहीं बजाना, परेशान हो जाएगी। बुलाऊं तो ऐसे ऐसे बुला सकता हूँ? अब मैं तो चली मम्मी को बोलने, मम्मी आ मम्मी। अरे अरे मरवाएगी क्या, कहाँ जा रही है? अरे रुक, अरे रुक तो सही, सुन ले, अरे सुन ले मेरी बात। दादा बताना पापा कैसे चुटकियों पे चलते हो, मम्मी जल्दी से दिलाओ मम्मी। अरे रुक जा तेरे को कुछ देता हूँ, रुक रुक रुक। अरे ये 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 मेरा पूरा पर्स ले जा, तू तो पूरा का पूरा पर्स ही ले जा। उससे है ना तू असली वाली चिकन पार्टी करना, तू ही नहीं पूरी तेरे फ्रेंड सर्कल सबको चिकन पार्टी करवा देना, है ना। मम्मी को मत बताना, मम्मी को मत बुला, अभी मत बुला मम्मी को। ये हुई ना बात, अपने के सब सच्चे पापा, ये बल्ले 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 बल्ले। और तू दुनिया की सबसे लालची बेटी। हेलो फ्रेंड्स, ये भी हेलो बोल रहा है। अगर आपको वीडियो थोड़ा अच्छा भी चलने को तो प्लीज लाइक कीजिए, ये भी बोल रहा है लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। डांस करो डांस करो डांस करो डांस। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और हाँ, नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस करना ना भूले, ताकि सही टाइम पे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद जय भारत।